السلام جميل. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم إن السلام. الحمد لله نحمده أيوة. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. محترم حاضرین، بزرگو دینی اور ملی بھائیو، خواتین اسلام، آج ہمارا موضوع سخن موجودہ حالات میں رمضان ہم کیسے گزاریں. ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہم پر ضائع فگن ہو رہا ہے. چند گنے چنے دن باقی ہیں، دو دن یا تین دن، اس کے بعد اس بابرکت مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں. ایسی صورت میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ماہ مبارک کا اہتمام ہم کیسے کریں اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس موضوع پر ہم غور و فکر کریں. کیونکہ رمضان یہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، اس مہینے کی عظمت، اس کے برکات یہ مسلم ہیں. اس مہینے کے ساتھ ہر سال ہمارا کیا برتاؤ ہو رہا تھا اور اس سال ہمیں اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، جبکہ موجودہ حالات میں مساجد بند ہیں، اجتماعات بند ہیں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے. ایسے وقت میں ہم اس ماہ مبارک سے کیسے استفادہ کریں، اس پر ہمیں غور کرنا ضروری ہے. آئیے اولاً ہم اس ماہ مبارک کے بارے میں، اس کے خصائص کے بارے میں کچھ چیزیں معلوم کریں، اور پھر ان حالات میں اس مہینے کو ہمیں کیسے گزارنا ہے اور اس مہینے سے ہم کس قدر استفادہ کر سکتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، اور قرآن کی نعمت مسلم ہے کہ قرآن یہ بہت بڑی نعمت ہے انسانیت کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے،
जो हिदायत का चश्मा मिनल ये लोगों के लिए हिदायत नामा है और इसके अंदर हिदायत की निशानियां हैं, हक व बातिल को समझने और हक व बातिल के दरमियान तमीज पैदा करने की सलाहियत इस किताब के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने रखी है। इसी तरीके से ये माह मुबारक कुरान के नुज़ूल का महीना नहीं बल्कि दीगर आसमानी किताबों के नुज़ूल का महीना है, जैसा कि हजरत वासिला बिन असफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत जो मुसनद अहमद में है उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोफ़ इब्राहिम तौरात इंजील और इसी तरह दीगर किताबों के नुज़ूल का महीना इसे करार दिया है। इसी तरीके से ये माह मुबारक व बाबरकत महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शरकश जिनों और शयातीन को जकड़ दिया जाता है, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे वा कर दिए जाते हैं और मुनादी निदा देता है या बागी अल खैर अकबल या बागी अल शर अक्तर, ऐ खैर के चाहने वालों आगे बढ़ो, ऐ शर के चाहने वालों शर से बाज आ जाओ पीछे। और इसी तरह हर रात जहन्नम से लोगों को इस माह मुबारक में आजाद किया जाए, जैसा कि सहीहैन में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत मौजूद है जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इदा काना अव्वल लैलतिन मिन रमज़ान, जब रमजान की पहली रात आती है तो सुफ़्फ़िज़ति शयातीन शयातीन को जकड़ दिया जाता है, वो मरदतिल जिन और इसी तरह शर के जिनों को भी कैद कर दिया जाता, गुल्लिक़त अबवाबुन नार जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते और फुत्तिहत अबवाबुल जन्नत जन्नत के दरवाजे खोल दिए और निदा देने वाला निदा देता है या बाकी अल-खैर अक़बल या बाकी अश-शर अक़बल। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वलिल्लाहि वत्तक़ाउ मिन अन्नार वज़ालिका कुल लैला, और रमजान की हर रात जहन्नम से लोगों को आजाद किया जाता है। तो ये खैर और इसी तरह रवायत में वो फुत्तियत अबवाबुर्रहमा रहमत के दरवाजे खोल, और इसी तरह दूसरी रवायत में फुत्तियत अबवाबुस्समा आसमान के दरवाजे खोल दिए। ये सहीहैन की रवायात है, इससे इस महीने की आजमत और बुजुर्गी हमारे सामने वाजे होती है कि इंतहाई बाबरकत महीना है। इसी तरीके से इस महीने की खसूसियत, इस महीने में अल्लाह ताला ने एक रात रखी है जो हजार महीनों से अफजल और बेहतर है, जैसा कि नसई और मुसनद अहमद की रवायत है जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर मन हुरिम खैरहा फकद हुरिम, इस माह मुबारक में एक रात है जो हजार महीनों से अफजल और बेहतर है, यानी एक रात की इबादत हजार महीनों की इबादत पर भारी, एक रात की तिलावत हजार महीनों की तिलावत पर भारी, एक रात का क़याम हजार महीनों के क़याम पर भारी। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अजमत को वाज़े किया कि इस महीने के अंदर अल्लाह ने एक रात रखी है जो हजार महीनों से अफजल और बेहतर करार। इसी तरीके से ये महीना दुआओं की कबूलियत का महीना, इस महीने में अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है, इसीलिए आप सूरह अल बकरा के अंदर आयात सियाम पढ़िए जिसके अंदर आयात सियाम के दरमियान अल्लाह ताला ने दुआ का जिक्र किया है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दअन, कि जो है जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो मैं अपने बंदों से इंतहाई करीब हूँ और जब भी दुआ करने वाला दुआ करता है तो उसकी दुआ को मैं कबूल करता हूँ। और इसी तरह अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है मुसनद बज़्ज़ार और मुसनद अहमद की सही तरगीब में शेख अल्बानी ने इसको सही करार दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
إن لله تبارك وتعالى وتقاوم في كل يوم وليلة يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في يوم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. ये जो है रमजान के हर रात और दिन में अल्लाह तबारक तआला की तरफ से लोगों को आजाद किया जाता है, और रमजान की हर रात और हर दिन में अल्लाह तआला लोगों की दुआएं कबूल कर। तो ये दुआ का महीना है, दुआ की कबूलियत का महीना है। इस महीने में अल्लाह तआला दुआएं कबूल करता है। इसी तरीके से ये शुक्र की अदायगी का महीना है। लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम ولعلكم تشكرون، कि ये ताकि तुम अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करो, अल्लाह का जिक्र करो और अल्लाह का शुक्र अदा। इस महीने को अल्लाह ताला ने इसलिए हमारे लिए भेजा है ताकि इस महीने में हम अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये जिक्र शुक्र का महीना है। इसी तरह ये महीना सब्र का महीना है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुसनद बज़ार की और सही तरगीब में शेख अल्बानी ने इसको सही करार दिया है कि सौम शहर सब्र व सलासते अय्याम मिन कुल शर इज़हबना व अरस सदर। इस सब्र का महीना यानी रमजान के महीने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का महीना करार दिया और फरमाया सब्र के महीने रमजान के महीने का रोजा, और इसी तरीके से हर महीने तीन रोजा अगर कोई रखता है तो इससे उसके सीने की कुदूरत, सीने का कीना, खौफ, इनाद ये उसके सीने से साफ होता है। और इसी तरीके से जो है ये महीना जो है गुनाहों से कफारा का महीना है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलवातुल खम्स वल जुमअतु लिल जुमअ ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر। सही मुस्लिम की हदीस कि पांचों वक्त की नमाजें जुमा एक जुमा से दूसरे जुमा की नमाज और एक रमजान से दूसरे रमजान का रोजा ये इनके दरमियान बाकी होने वाले गुनाहों का कफारा है, बशर्ते कि इंसान कबीरा गुनाहों से अपने दामन को पाक रखे। इसी तरीके से मगफरत और बख्शिश का जिक्र करते हुए इस माह मुबारक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखारी मुस्लिम मुत्तफक अलैह मन साम रमजान ईमान व इत्तिसाब गफर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्ब। इसने रमजान का रोजा ईमान और एहतसाब के साथ रखा तो उसके गुज़श्ता तमाम गुनाह बख्श दिए गए। और इसी तरीके से ये महीना जो है बाबरकत महीना, ये जो है उमरे का महीना है। रमजान में उमरा करना हज के बराबर है, जैसा कि रसूल पाक बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के बराबर करार दिया गया है, जैसा कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की वो रवायत जिसमें अल्लाह के नबी सल बुखारी और मुस्लिम में जो मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून से पूछा था कि तुम मेरे साथ हज पर क्यों नहीं गए, तो उसने माजरत की और पेश किया कि हमारे पास दो ही सवारियां थीं, दो ही ऊँटनियाँ थीं, एक पर मेरा शौहर और मेरा बेटा हज को गया, दूसरी ऊँटनी हमारे घर की जरूरियात के लिए पानी लाने ले जाने के लिए मुकर्र थी, इसलिए मैं नहीं जा सकी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून से कहा था कि जब रमज़ान आए तो उसमें तुम उमरा कर लेना, और रमज़ान में उमरा करना मेरे साथ उमरा करने के बराबर, मेरे साथ उमरा करने के बराबर है। ये बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह रवायत। इसी तरीके से रमजान की बरकात है, इसके रोजे का अगर कोई एहतमाम कर ले तो उसके शहदा और सिद्दीकीन में उसका शुमार होता है। चुनांचे इस सिलसिले में सही इब्न हिब्बान सही इब्न खुज़ैमा की रवायत है, और शेख अल्बानी ने इसको हसन दर्जे की रवायत करार दी है कि अमर बिन मुर्रा अल-जौनी कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनू कुज़ा का एक आदमी आता है और अर्ज करता है या रसूल अल्लाह अगर भला बताइए अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की शहादत दूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं पांच वक्त सल्लैतु सलवातुल खम्स और मैं पांचों नमाजों की पाबंदी करूँ
وعديت الزكاة أو زكاة أدا کروں وصمت رمضان اور رمضان کا روزہ رکھوں وقمت ہو اور رمضان میں قیام کروں فمن انا تو میں کون ہوں میرا کیا درجہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الصدیقین والشہداء تم صدیقین اور شہداء میں تم صدیقین اور شہداء میں سے ہو تو رمضان کے روزے کی یہ اہمیت رمضان کے مہینے کی اہمیت ہے کہ اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں تو ہمارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوتا ہے اسی طریقے سے دخول جنت کا یہ سبب ہے رمضان کے مہینہ اور اس مہینے کا روزہ جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ارائیت اذا صلی اللہ کی فرمائیے اگر میں پانچ وقت کی نماز پڑھوں تم تو رمضان کا روزہ رکھوں اور واحللت الحلال وحرمت الحرام حلال کو حلال جانو حرام کو حرام جانو ولم ازد على ذلك شيئا اور اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکوں ادخل الجنہ تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں اور فرمایا اس کے بعد اس نے کہا واللہ لا ازید على ذلك شيئا اب اس سے زیادہ کچھ میں نہیں کر پاؤں گا یہاں پر رمضان کے روزے کی اور رمضان کی عظمت کا اس حدیث پاک سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ کس قدر عظیم ہے یہ مہینہ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام رمضان کے سلسلے میں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یہ رمضان کے راتوں کو قیام کرے تراویح کا اہتمام کرے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے گئے اور اسی طریقے سے یہ ماہ مبارک جو ہے کے اندر جو ہے یہ عظمت تو یہ بزرگی رکھی گئی ہے کہ یہ جود و سخا کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کان اجود ما یکون فی رمضان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس سب سے زیادہ سخی تھے داد و دہش کرنے والے تھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے لیکن رمضان میں سب سے زیادہ آپ کی سخاوت ہوتی تھی جب جبریل آپ سے آ کے ملتے تھے اور یہ ہر رات یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ہر رات جبریل آتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس کہتے ہیں کہ فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تند آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے تھے رمضان میں تیز تند آندھی سے زیادہ سخاوت کرتے تھے اسی طریقے سے جو ہے یہ عظمت یہ بزرگی رمضان کی اسی رمضان میں اعتکاف کا جو ہے معاملہ رہا رمضان کے کہ اللہ کے نبی وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایتیں اور اس کے بعد صحابہ کرام ازواج مطہرات نے رکھا اور اسی طریقے سے اس مہینے کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں خاص طور سے آخری کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی الاشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے میں جو اہتمام کرتے تھے جس محنت اور انہماک کے ساتھ عبادت کرتے تھے جس مستعدی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے اور اللہ رب العالمین عبادت کرتے تھے اس طریقے سے دوسرے دنوں میں وہ کیفیت نہیں ہوتی تو اس طریقے سے یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے اور اس طریقے سے یہ مہینہ جو ہے عظمت کا حامل مہینہ ہے لہذا یہ مہینہ آ رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم پورے ایمانی جذبے کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کریں اور موجودہ حالات اس سلسلے میں مانے نہ موجودہ حالات سے متاثر ہو کر اس مہینے کو نظر انداز ہم نہ کریں بلکہ موجودہ حالات میں ہم اس مہینے سے اور زیادہ ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اس مہینے میں سب سے اہم ترین عبادت جو ہمارے لیے فرض کی گئی ہے
इस माह मुबारक में वो रमज़ान का रोज़ा है। वो रमज़ान के रोज़े ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, ये जो है ऐ मोमिनो तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए थे, لعلكم تتقون ताकि तुम मुत्तकी बनो, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा की इस आयत करीमा के अंदर वाज़ह कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरफ तो फर्जियत का ऐलान किया कि रोजा फर्ज है और ये कोई नया फरीजा नहीं है, इससे पहले और उम्मतों पर भी रोजे फर्ज, गरचे उसकी कैफियत और रही हो, कैफियत रोजा में इख्तलाफ रहा हो, लेकिन नफ्स रोजा तमाम उम्मतों पर, और उसके बाद उसका मकसद भी वाज़ह कर दिया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बनो। लिहाजा रमजान का इस्तकबाल करते हुए रमजान की आमद पर हमें और आपको अपनी नीयतों को खालिस करना होगा कि हम इस महीने से इंशाअल्लाह अपने आप को मुत्तकी बनाएं, तकवा की स्पिरिट अपने अंदर पैदा करें। यही बुनियादी नुक्ता है जिसमें आमतौर से गलतियां होती रही हैं और हो रही हैं कि लोग रमजान आता है मस्जिदों को जोर देते हैं, लेकिन जैसे रमजान खत्म होता है मस्जिदें वीरान हो जाए, क्योंकि हमारा रोजे का मकसद हमारे सामने नहीं होता। ये महीना आ रहा है हमारे अंदर अकवा तकवा की स्पिरिट, हमारे अंदर तकवा की स्पिरिट पैदा करने, ये ट्रेनिंग जो है सेंटर है रमजान, इसके अंदर तकवा का दर्स हमें और आपको पढ़ाया जाता है। इस दर्स को पढ़ने की हमें जरूरत है और इस अज्म के साथ हम इस महीने में दाखिल हों कि इंशाअल्लाह इस महीने से हम मुत्तकी और परहेजगार बनने की कोशिश करेंगे, तकवा की स्पिरिट अपने अंदर पैदा करें। इसी तरीके से ये जो है रमजान का जो रोज़ा है ये ढाल है, ये जहन्नम से भी ढाल है, ये गुनाहों से भी ढाल, ये गुनाहों से भी बचाता है और ये जहन्नम से भी बचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है अस्सियामु जुन्न यस्तजिन्नु बिहल अब्द मिनन्नार, ये रोजा जो है ये ढाल है, इससे बंदा जो है जहन्नम की आग से जो है बचता है, पनाह हासिल करता है। और इसी तरीके से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया या माशर शबाब من استعان منكم البات فليتزوج فانه اغض للبصر واسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء, ये बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक है हदीस है हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अनु की कि नौजवानों की जमात तुम में से जिसको शादी की इस्तात हो वो शादी कर ले, शादी मुयस्सर हो शादी कर ले, क्योंकि शादी से निकाह से निगाहें सबसे ज्यादा नीची होती, शर्मगाह की सबसे ज्यादा हिफाजत होती। उमल लम यस्ततअ फअलैहि बिस्सौम, और जो शादी की इस्तात नहीं रखता है वो कसरत से रोजा रखे, फइन्नहु लहु वजा, क्योंकि ये रोजा जो है ये शहवत की तोड़ है। तो रमजान का ये महीना मेरे भाई शैतान के दरवाजों को बंद करता है और इस तरह बेहयाई और बुराई से रोकने का ये सबब बनता है कि रोजा, इसलिए इन रोज़ों का एहतमाम ये ज़रूरी है। तो इस रोज़े के ज़रिए एक तरफ इंसान गुनाहों से बचता है तो दूसरी तरफ जहन्नम से, तो रोज़ा ये ढाल है गुनाहों से बचने का भी और जहन्नम से निजात का भी ये ज़रिया है, ये बचाव है। और इसी तरीके से जो है काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने की रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु बुरहान, अस्सलातु बुरहानुन वस्सौमु जुन्नतुन हसीनतुन वस्सदक़तु तुत्फिउल ख़तिया कमा युत्फिउल माउल्ला, सुनन तिर्मिज़ी वगैरह की हदीस सही हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलात ये बुरहान है, ये ईमान की दलील है, ईमान की दलील क्या है, नमाज है, और रोज़ा जो है ये मजबूत ढाल है जिसके जरिए से इंसान एक तरफ जहन्नम से बचता है तो दूसरी तरफ गुनाहों से, और सदका ये अल्लाह जो है खताओं को मेट देता है, जैसे कि पानी जो है
आग को बुझा देता है। इसी तरीके सदका जो है ये गुनाहों को, मासियत के कामों को जो है मेट देता है, खत्म कर देता है। इसी तरीके से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो है मन साम यौमन फी सबीलिल्लाह बाद अल्लाह वजहु अन्नार सबईन खलीफा, कि जो शख्स अल्लाह के राह में एक रोजा रखता है पूरी इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह के खातिर रोजा रखता है, तो बाद अल्लाह वजहु अन्नार सबईन खलीफा, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल दूर कर देता है। इसी तरीके से दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी, ये तो बुखारी मुस्लिम की रवायत थी, दूसरी हदीस जो है तुरंत तिर्मिजी की है, हजरत अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम यौमन फी सबीलिल्लाह जअल अल्लाह बैनहु व बैन अन्नार खंदका कमा बैन अस्समाई वल अर्द, कि जो शख्स अल्लाह के लिए अल्लाह की राह में एक रोजा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नम के दरमियान इतनी बड़ी तूल और तवील खंदक कायम कर देता है जितना आसमान और जमीन के दरमियान फासला। अंदाजा लगाइए कि रोजे की अजमत किस कदर है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में हमारे और आपके ऊपर फर्ज किया है, ये खैरात और ये बरकत को हासिल करने की आज जरूरत है, हम इसके ज्यादा मोहताज। इसी तरीके से जो है रोजे के सिलसिले में मुख्तलिफ अहादीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से वारिद हैं, ये रोजा कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से शिफात करेगा और रोजेदारों के लिए अल्लाह तबारक व तआला जो है इसकी शिफात को कबूल करेगा, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की रवायत है कि मुस्नद अहमद वगैरह की कि अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्द यौम अल क़ियामा, कि कुरान रोजा और कुरान क़ियामत के दिन शिफात करेंगे बंदे के लिए, और जो है फिर अल्लाह तबारक व तआला जो है फयशफ़ान आखिर में फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दोनों की शिफात को अल्लाह ताला कबूल, दोनों की सिफारिश अल्लाह कबूल करेगा। कुरान कहेगा कि बारी अल्लाह इसको मैंने जो है रातों को जगाया था और ये मेरी तिलावत कर रहा था, और इसी तरह से रोज़ा कहेगा कि दिन में मैंने इसको खाने पीने से और शहवत की तकमील से रोक दिया था, तो अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों की शिफात को अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। इसी तरीके से जो है रोजे के सिलसिले में मुख्तलिफ अहादीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजादार की रोजेदार की दुआ अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करता है, चुनांचे हज़रत अबू रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, ये सुनन इब्ने माजा की और तिर्मिजी की, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तरद दावत इमाम अल-आदिल वस्तर व दावत अल-मज़लूम, कि तीन आदमियों की दुआ अल्लाह रद्द करता है, एक तो आदिल हाकिम और बादशाह, हाँ आदिल हाकिम मुसलमानों का, रोजेदार यहाँ तक कि वो इफ्तार कर ले, और तीसरा जो है मजलूम की दुआ, मजलूम की दुआ, रोजेदार की दुआ, आदिल हाकिम की दुआ अल्लाह तबारक तआला रद्द नहीं करता है। और इसी तरीके से इफ्तारी के वक्त जो दुआ की जाती है इसके सिलसिले में भी रवायत है इब्ने माजा और मुस्तदरक हाकिम की, कि अल्लाह तबारक तआला जो है इन्ना लिस्साइम इंद फितरही लदावतन मा तुरद, कि जो है रोजेदार के लिए इफ्तार के वक्त ऐसी दुआ है जो रद्द नहीं होती जो है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में आता है कि जब वो जो है इफ्तारी के वक्त जो है वो दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक बिरहमत अल्लती वसअत कुल्ल शय अन तग़फिर ली, के अल्लाह मैं तेरी रहमत का वास्ता देकर जो हर चीज को वसी किए जो है घेरे हुए है, मैं कि तुम मुझे बख्श दे
उससे सवाली हूँ। तो इस तरीके से रोज़ेदार की दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करता है और इसी तरह रोज़ेदार को इफ्तार कराना भी भाई से अजर सवाब करार दिया गया है। तो इस तरीके से जो है रोज़े की बेशुमार फ़ज़ाइल और बरकात हैं। अब ऐसी सूरत इन इस तफसील के बाद आइए हम देखें कि हम इस माह मुबारक में इन फ़ज़ाइल और बरकात को कैसे हासिल कर सकते। सबसे पहली चीज़ इन बरकात को हासिल करने के लिए ये है कि हम अपने अकीदे की पहले इस्लाह, क्योंकि याद रखें तौहीद के बगैर कोई भी अमल कबूल नहीं। जितने फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं ये मुआहिदीन के लिए, मुश्रिकीन के लिए नहीं। सबसे पहली शर्त है कि हम अपने अकीदे को सुधार लें रमज़ान आने से पहले, ताकि हमारी ये इबादतें कबूल हो। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक के अंदर सूरह अनआम में 18 नबियों का जिक्र करते हुए फरमाया, लो अशरकु लहबत अनहुम मा कानू यअमलून, कि अगर अंबिया की जमात अगर बफर्ज माल ये शिर्क कर बैठे तो इनके भी तमाम आमाल अकारत और बर्बाद। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, लइन अशरकत लहबत अनहुम, ऐ नबी बफर्ज माल अगर आप भी शिर्क कर बैठे तो आपके भी अमाल अकार बर्बाद। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिहि वयग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ नहीं करता। अगर शिर्क करता हुआ दुनिया से इंसान चला गया तो उसके लिए बख्शिश का दरवाजा बंद है। वमन यशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमा अल्लाह अलैहि वमा मअहु अन्नार, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया उस पर जन्नत हराम है और जहन्नम उसका ठिकाना। इसलिए मेरे भाइयों सामईन किराम, ये वाज़ेह रहे कि अकीदे की इस्लाह ज़रूरी है, तौहीद के बगैर कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। इसलिए हर इंसान को हमें चाहिए अपने तौहीद का जायजा लें कि किस कदर किस दर्जे का वो मुआहिद है, कहीं उसके आमाल के अंदर कहीं शिर्क की आमेजिश तो नहीं, कहीं शिर्क की आमेजिश तो नहीं है। अगर शिर्क की आमेजिश है तो याद रखें ये रमज़ान के खैर व बरकत से हम मुस्तफ़ीद नहीं हो। इसी तरीके से तौबा और इस्तिग़फ़ार, तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ इस माह मुबारक का हम इस्तिक़बाल करें। अल्लाह अपने माजी पर नज़र डालें, जो हमसे कोताहियाँ हुई हैं लग्जिशें हुई हैं उन पर नादिम व शर्मिंदा हों, आइंदा के लिए आज़म करें कि अब इन गुनाहों के करीब नहीं जाएं, और फिर अल्लाह तबारक व तआला से तलब करें। जैसे इससे पहले तौबा की तफसील आपके सामने आ चुकी। इसी तरीके से इस माह मुबारक का चूंकि ताल्लुक कुरान से, इसको जो अजमत मिली है कुरान की बरकत, कुरान की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ये मुकाम दिया है और इसी के लिए इसके रोजे को अल्लाह तआला ने फर्ज करार दिया। इसलिए फमन शहीद मिनकुम अश्शहरा फलयसूम, अल्लाह ने फरमाया कि रमजान का महीना ये कुरान के नुज़ूल का महीना है, लिहाजा जो इस महीने को पाए इस महीने का रोजा रखे। तो रोजे की जो फर्जियत हुई है कि कुरान की वजह से, कुरान को अल्लाह तबारक तआला ने सबब बनाया रोजे की फर्जियत के लिए, क्योंकि इस महीने में इतना बड़ा इनाम अल्लाह तबारक तआला का इंसानियत के साथ हुआ, लिहाजा उसके शुक्राने के तौर पर इंसान को चाहिए इस महीने का रोजा रखे। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह तबारक तआला ने हमें अता हुआ, लअल्लकुम तशकुरून, क्या तो तुम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करो। ये रोज़ा जो है ये शुक्राना है कुरान की नेमत पर, नेमत कुरान पर जो अल्लाह तबारक ताला ने हमें और आपको इस माह मुबारक के अंदर अता फरमाया है। इसलिए हमारी तवज्जो कुरान की तरफ, कुरान से दिल लगाए। साल भर जो कुरान जिसदान में लपेट के रखे हुए थे उसको खोलें, उसके गर्द व गुबार को साफ करें और कुरान को पढ़ने की कोशिश करें, उसको याद करने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में कुरान का एहतमाम करें, रोज़ाना जिब्रील का नज़ुल हो,
और पूरे रमजान जिब्रील के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का दौर पढ़ते थे कुरान को, और जितना कुरान नाजिल हो चुका होता था पूरे रमजान में उसको खत्म करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ। और जिस जो आखिरी रमजान आया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में हयात तय्यबा में आखिरी रमजान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन के साथ दो मरतबा कुरान को खत्म, दो मरतबा दौर किया कुरान पाक का जिब्रील अमीन के साथ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। इस महीने में मेरे भाइयों हमें चाहिए कि हम कुरान की तरफ उसको पढ़ने की कोशिश, उसको पढ़ने, ये नहीं कि बाप दादा ने नहीं पढ़ाया हम कैसे पढ़ें, बाप दादा ने अरबी नहीं सिखाई हम कैसे समझें, नहीं, ये फरीदा है कुरान को। तो कुरान कहा ही जाता है इसलिए कि ये पढ़ी जाने वाली किताब है, ये रखी जाने वाली किताब है, ये हमारा दस्तूर हयात है, ये दुनिया और आखरत में निजात की तालीम इसमें अल्लाह ताला ने बताई, ये निजात का जरिया है। तो अगर हम निजात हासिल करना चाहते हैं, दुनिया और आखरत के अंदर तरक्की चाहते हैं, तो कुरान को पढ़ें, उसको समझें, उसके मुताबिक अमल करेंगे तब ये नुकसान। इन्नल्लाह यरफ़ु बिहादल किताब अक़वाम व यदउ बिही आखरीन, अल्लाह तबारक तआला इस किताब के जरिए लोगों को बुलंद और पस्त, जो इसको अख्तियार करते हैं वो बुलंदी पर पहुंचते हैं और जिसको नज़रअंदाज करते हैं वो पस्ती का शिकार हो। तो जवाल उम्मत का जवाल कुरान के तरह, जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर आज हम ख़ार हुए तारीख़ कुरान। तो कुरान से एराज ये जवाल का बुनियादी सबब है, इसलिए हमें चाहिए कि इस माह मुबारक में रमज़ान इस बाबरकत महीने में कुरान को अपने सीने से लगाएं, उसकी तरफ तवज्जो करें, उसको पढ़ना सीखें, उसको समझना सीखें और उसके मुताबिक अमल करना सीखें। तब तो हम कुरान का एहतराम, रमज़ान का एहतराम करने वाले, रमज़ान की अजमत को पहचानने वाले, वरना कुरान को नज़रअंदाज करके रमज़ान की अजमत से इस्तेफादा नहीं किया जाता। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान की तरफ मुतवज्जे हों। इसी तरीके से ये जो है, जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया आपके सामने, ये महीना तकवे का महीना, तकवे की तालीम और ट्रेनिंग देने के लिए महीना हर साल आता है। इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक तआला हलाल चीज़ों से रोक कर हमारे अंदर हराम से बचने की स्पिरिट और कुव्वत पैदा करना चाहिए। एक महीने हलाल चीज़ से, बीवी हलाल, लेकिन एक महीने दिन में अल्लाह ने रोक, खाना हलाल, पानी हलाल, पीना हलाल है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक महीने तक दिन में हमारे ऊपर इसको हराम कर दिया और हम उसका एहतमाम करते हैं। इस तरह हमारे अंदर अल्लाह ताला ये स्पिरिट और कुव्वत पैदा करना चाहता है। एक महीना अगर हम अपने आप हलाल चीज़ों से रोक सकते हैं अल्लाह के लिए, तो हम हराम से बदर्जे औला अपने आप को रोक सकते हैं। तो हराम से रुकने की सलाहियत पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने रमज़ान का महीना हमारे पास भेजा है और इसके रोज़ों को हमारे ऊपर फर्ज है। इसलिए इस तक़वा की स्पिरिट को ना भूलें, इसको अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। यह मकसद ले करके तक़वे का अब इस माह मुबारक का इस्तक़बाल करें और इसके रोज़ों का और नमाज़ों का एहतमाम करें। इसी तरह से इस माह मुबारक से इस्तिफादे के लिए इन हालात में ये ज़रूरी है कि हम गाने बजाने के आलात पर पाबंदी लगाएं। गाने बजाने के आलात जो हमारे घरों के अंदर पाए जाते हैं, हमारे जेबों के अंदर मौजूद, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ये मोबाइल, ये टीवी, ये तमाम खैर बरकत से रोकने वाली चीज़ें हैं, इस पर पाबंदी लगाएं। महीने भर कम से कम बचें इन चीज़ों, इसके इस्तेमाल को जो है आम न करें, ताकि रमज़ान के खैर और बरकत से हम मुस्तफ़ीद हों। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन लम यदा कौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैस लिल्लाहि हाजा अन यदा तआमहु व शराबा, कि जो शख्स झूठ बोलना, झूठ पर अमल करना तर्क न करे, तो उसको जो है खाने पीने को तर्क करने की कोई ज़रूरत, उससे अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन आकमुल हाकिम ये नहीं चाहता तुम भूखे रहो प्यासे, नहीं। रमज़ान इसलिए आता है ताकि जहाँ
हम अपने पेट का रोजा रखें, वहीं अपनी आंखों का भी रोजा, अपने दिलो दिमाग का भी रोजा, अपने कान का भी रोजा, जुबान का भी रोजा, तमाम आजा और जवारे हमारे रोजे से। अगर पेट का रोजा तो हमने रख लिया, खाना पीना तर्क कर दिया, लेकिन अगर हमारी जुबान कैंची की तरह चलती है, हम अपनी निगाहों को दौड़ाते हैं दूसरे की बहू बेटियों पर, तो रमजान का फायदा हमें। अगर हम बैठ के फिल्में देखते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टीवी पर, गलत तस्वीरों पर नजर डालते हैं, गलत प्रोग्राम सुनते हैं, तो ये रोजे से कोई फायदा हमें नहीं पहुंचेगा, इसके अजर व सवाब से हम महरूम रहें। भले फरीजा अदा हो जाए, लेकिन उसके समरात, उसके बरकात और जिस मकसद के तहत अल्लाह तबारक तआला ने ये रोजा फर्ज किया है, वो मकसद हम हासिल नहीं करें। इसलिए मेरे भाइयों, इस महीने में इसका एहतमाम करें कि गाने बजाने लहलैब की इन तमाम चीजों को बालाए ताक रखें, और ये महीना पूरी तरह अल्लाह की इबादत गुजारने की कोशिश, ज्यादा से ज्यादा वक्त कुरान की तिलावत, कुरान फहमी, जिक्र अज़कार में, तौबा और इस्तग़फ़ार में। इसी तरीके से ये महीना, जैसे मैंने वाज़ेह किया, ये सदक़ात और इन्फ़ाक का महीना। और आजकल जबकि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया किस कदर परेशान है, कि लॉकडाउन की वजह से कितने भूखे मर रहे हैं, कितने प्यासे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं लोग, ऐसे वक्त में चाहिए इस महीने में हम सदकात और खैरात के दरवाजे खोलें, भूखों को खाना खिलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, लोगों की जरूरियात की तकमील करें, दिल खोल करके अपने जेब को खोल दें इस महीने, जेबों को बंद न रखें, जेब को खोल करके दादो दहिश का सिलसिला, फयाजी का सिलसिला इस महीने में जारी करें। ये अच्छा मौका दिया है अल्लाह तबारक तआला ने हमें और आपको नेकियों का, इस भूखों को खिलाने का, प्यासों को पिलाने का ये अच्छा मौका दे दिया अल्लाह तबारक तआला ने इस माह मुबारक में, इससे हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। हो सकता था कि दूसरे दिनों में दूसरे हालात होते तो हमें लोग ना मिलते, आज तो हर जगह लोग मौजूद, परेशान हाल है, ऐसी सूरत में उनकी परेशानी में उनकी दाद रसी करें और सदकात और खैरात और इन्फाक का जो है सिलसिला शुरू करें, लोगों के घरों को गल्ला पहुंचाएं, लोगों के घरों को जो है उनकी जरूरियात की चीज़ें मुहैया करें, और इस तरीके से रमज़ान के खैर और बरकत को हासिल करने की कोशिश। इसी तरीके से इस महीने के अंदर क़याम तरावीह का अहतमाम, आजकल लोग परेशान क्या हैं कि भई मस्जिदें बंद हैं, तरावीह कैसे पढ़ेंगे, तरावीह में क्या होगा, तरावीह से महरूम रह जाएंगे। ये अजीब नहीं मेरे भाई, तरावीह से हम महरूम नहीं रहे, मस्जिदें भले बंद है लेकिन तरावीह नहीं बंद है, तरावीह घर में पढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में पढ़ते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 दिन तरावीह जमात के साथ पढ़ाई थी, बाकी आप घर में पढ़ते थे आप, और इसी तरह साहबा भी घर में पढ़ा करते थे। तो आज मौका मिला हुआ इस बहाने से इस सुन्नत पर भी अमल कर ली, इस सुन्नत पर भी अमल कर लीजिए, ये भी सुन्नत। जहां जमात के साथ तरावीह पढ़ना सुन्नत है, वहीं बगैर जमात के घर के अंदर पढ़ना सुन्नत है, और घर में भी जमात हो सकती है, उस फजीलत को हम घर में हासिल कर सकते हैं। भी बच्चों के साथ नमाज पढ़िए, तरावीह को कायम कीजिए, तो तरावीह तो खत्म नहीं हुई है। तो तरावीह के अंदर बहुत सी जो खराबियां पाई जा रही थी इस लॉकडाउन के वक्त में, इन हालात में उन खराबियों से हम बच सकते, जैसे तरावीह के सिलसिले में जो आमतौर से हमारे यहाँ पाया जाता था, एक तो खत्म कुरान को जरूरी समझा जाता था कि खत्म कुरान जरूरी है, नहीं, तरावी में खत्म कुरान जरूरी नहीं, जिसको जरूरी समझना ये गलत, खत्म कुरान जरूरी नहीं कि तरावी में कुरान खत्म ही किया जाए। इसी तरीके से इस खत्म कुरान के चक्कर में जो हमारे यहाँ कुरान के साथ फोन होता था,
कैसी सरपट पढ़ते थे लोग, यालमून तालमून के अलावा कुछ पता नहीं चला। इस ब्रेकडाउन की वजह से वो सिलसिला खत्म हो गया। कम से कम कुरान के साथ खेल नहीं हो। शबीना लोग पढ़ते थे, बिदअत इजाद की थी तरावी के नाम पर, शबीना एक ही रात में कुरान खत्म। ये तमाम बिदअत और गलत रविश कुरान के साथ जो अख्तियार कर रखी थी, अल्लाह ने मौका दिया है कि हम उसको खत्म करें। इस बहाने से ये गलत चीजें खत्म हो जाएंगी। इसी तरीके से तरावी के नाम पर जो है रुकू सुजूद में जल्दबाजी जो होती थी, फटाफट फटाफट जो है पढ़ते थे, दुआए इस्तिफ्ताह दुआए सना भी लोग नहीं पढ़ते। इसी तरीके से तशहुद के अंदर सलात और दुआ नहीं, तहियात पढ़ करके सलाम फेर देते थे। हम तो लोग ये करते हैं, इससे हम बच सकते हैं। तमाम के साथ तरावी पढ़ सकते हैं अपने घरों के अंदर जो इन तमाम सुन्नतों को बरूएकार ला करके, क्योंकि मस्जिदों में इमाम के ताबे थे, वो जब सलाम फेरता हम भी सलाम फेरते, वो दुआ इस्तिफ्ताह नहीं पढ़ता था, फौरन अल्लाह अकबर कहकर क़िरअत शुरू हो जाती थी, खिलाफ सुन्नत, उसमें हम मजबूर थे। लेकिन अब मौका मिला हुआ है कि हम घरों के अंदर तरावी सुन्नत के मुताबिक, और इस बहाने से हमारे बीवी और बच्चे भी तरावी जमात के साथ पढ़ लें। घरों के अंदर जमात कीजिए, जमात का हमें सवाब मिलेगा। फर्ज नमाजों को भी जमात से पढ़िए और तरावी को भी जमात के साथ पढ़िए घरों के अंदर, और इस तरह इस अजर सवाब को हम हासिल करें, और इस ब्रेकडाउन से जो है इस पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। रुकू सुजूद कायदे से इत्मीनान से पढ़िए। कुरान कहते हैं कुरान याद नहीं, क्या करें, जितना कुरान याद है उतना पढ़िए। कुरान खत्म करना जरूरी नहीं, एक एक सूरत को बार बार पढ़िए, दोहरा दोहरा के पढ़िए, तकरार के साथ पढ़िए, तवील क़याम करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसी तरीके से कुरान को हाथ में लेके पढ़िए, कुरान को हाथ में लेके पढ़िए या स्टैंड बना लीजिए, उस पर रख कर कुरान देख कर पढ़िए। जैसा कि बुखारी में मुअल्लक रवायत है सहीह जिस्म के साथ कि ज़कवान जो ताशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के गुलाम थे, वो कुरान देख कर तरावी पढ़ाते थे, और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनके पीछे पढ़ती थी कुरान, उनकी तरावी उनके पीछे पढ़ती थी। तो कुरान को देख के मुसाब को देख करके तरावी में पढ़ना जायज है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम हाफिज नहीं है तो कुरान देख करके पढ़े, तवील क़याम कर सकते हैं, कुरान देख देख कर पढ़ सकते हैं। तो खैर के दरवाजे खुले हुए हैं, खैर के दरवाजे खुले हुए हैं, बंद नहीं हुए हैं कि क्या करें, मस्जिदें बंद हैं, अब तरावी कैसे हो। और इसी तरीके से जो है जो खत्म कुरान की दुआ और खुसूसी इज्तिमा और जश्न की जो बिदअतें पाई जाती थी, उससे भी हम निजात हासिल कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने नमाज में कभी खत्म कुरान की दुआ नहीं, ये सुन्नत के खिलाफ है। सहाबा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म कुरान की दुआ कभी नमाज में नहीं की, लेकिन आम तौर से अइमा खत्म कुरान की दुआ करते। कम से कम इससे हम बच सकते हैं, इससे निजात मिल जाएगी रमजान में, हम न करें दुआ। खत्म कुरान की दुआ नमाज में नहीं साबित। और इसी तरीके से रमजान में अब तक क्या होता था कि हम मस्जिदों का चक्कर लगा, कौन पारी अच्छा आवाज किसकी अच्छी, आवाज के पीछे घूमते थे। इस रमजान में मौका मिला हुआ है कि हम इत्मीनान के साथ नमाज पढ़े, इज्तिमाई इबादत के साथ इंफरादी इबादत का हमें मौका मिला, इंफरादी हम इज्तिमाई इबादत में पूरा वक्त रात भर घूमने में लगा देते थे, इस मस्जिद से उस मस्जिद से उस मस्जिद चक्कर लगाने में, अब मौका मिला हुआ है कि उस वक्त को काम मिलाए, घर के अंदर नमाज तरावी में बीवी बच्चों के साथ जमात बना, और इस तरीके से बीवी बच्चों को भी फायदा पहुंचे, और हम इनफरादी इबादत भी कर सकें, जिक्र अज़कार तिलावत का भी हमें मौका मिल जाए, तौबा और इस्तिग़फ़ार का भी मौका मिले। मेरे भाई मजमा में तो सब काम कर लेते हैं, अब पता चलेगा कि हमें कितना अल्लाह का खौफ, किस कदर हम रात में सोते हैं या इबादत। मजमा में तो सब इबादत कर लेते हैं देखा देखी, लेकिन अब अंदाजा लगाना है कि हमारे अंदर अल्लाह का खौफ किस कदर है, रातों को हम सो जाते हैं या रातों को घरों के अंदर क़याम करते हैं। तरावी का एहतमाम यहीं खरे और खोटे
जाहिर हो जाएंगे मेरे भाइयों। तो ये अच्छा मौका मिला है अपने ईमान को ताजगी बख्शने के लिए और अल्लाह का जिक्र करने के लिए। वो जिक्र अल्लाह खालियन फफाजत तैना, मजमा में तो रोना लोग रो लेते हैं लेकिन तन्हाई में अल्लाह को याद करते हैं। ये कमाल, जिन खुश नसीबों को क़यामत के दिन साया मिलेगा उनमें से एक नौजवान एक शख्स होगा, रजुलुन ज़िक्र अल्लाह खालियन फफाजत तैना, जो तन्हाई में अल्लाह को याद करके रो, तन्हाई में रोए तब कमाल। लोगों को रोता हुआ देख कर तो रुलाई आ जाती है, लेकिन जब आप तन्हाई में रोए अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के खौफ से तो ये कमाल होता है। तो मौका मिला हुआ है कि आप तन्हाई में रोएं अल्लाह ताला के खौफ और अल्लाह की मोहब्बत में जो है, और इसी तरीके से जो है इस जो है इस सिलसिले में जो है जो लंबी लंबी दुआएं लोग करते थे और मुकफ़ा मुशज्जा जो कि खिलाफ़ सुन्नत, दुआ में मुकफ़ा मुशज्जा इबारतें इस्तेमाल करना और इतनी लंबी लंबी दुआएं करना, ये चीज़ साबित नहीं, सलफ का तरीका ये नहीं रहा जो आजकल जो है तरावी में लोगों ने ईजाद कर लिया। दुआए कुनूत को इतना लंबा कर लोगों का हाथ दर्द, और एक चीज कि जो है लोग उस मस्जिद का कसद करते थे जहां इमाम लंबी दुआ, नमाज मुख्तसर रहे कोई बात नहीं लेकिन दुआ लंबी करे, दुआ के लिए इतनी लंबी दुआ कहाँ से, क्या अल्लाह के रसूल सल्लम साहबे किराम इतनी लंबी लंबी दुआएं करते दुआए कुनूत में। तो अब मौका मिला हुआ है कि हमारी नमाज सुन्नत के मुताबिक दुआएं, ये अल्लाह ताला ने हमें एक लॉकडाउन में हमें ये मौका दिया है कि हम सुन्नत के मुताबिक दुआएं, सुन्नत के मुताबिक नमाजें अपनी दुरुस्त कर लें। और इसी तरीके से जो है हमारे यहाँ जो है बर सगीर में आमतौर से ताकरातों को जिस तरीके से बर्बाद किया जाता है, जलसे जुलूस शेर व शायरी में खाने पकाने में, अब मौका है कि अब जो है इस गलत रविश से हम बाज आए और ये ताकरातों की सही कदर कीमत पहचानते हुए उसको अल्लाह के बदले, क्योंकि हमारे यहाँ ताकरातों को जश्न मनाया जाता है, हलवे पकाए जाते हैं, फिरनियाँ पकाई जाती हैं और पूरी रात खाने पकाने में गुजार दिया जाता है, शेर व शायरी में गुजार दिया जाता है और तकरीरों में गुजार दिया। ये तकरीर की रात नहीं, ये शेर व शायरी की रात नहीं, ये इबादत की रात, ये जिक्र व अज़कार की रात, ये तिलावत की रात है, ये क़याम की रात है। लेकिन लोग जो है इसको गलत आजकल इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस साल ये मौका मिला हुआ है कि हम शबे कद्र को जो है सुन्नत के मुताबिक गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत। तो ये मौके हैं, इसलिए अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है, हर काम में अल्लाह ताला की हिकमत होती है। ये ब्रेकडाउन जो चला है इसमें भी अल्लाह ताला की, इसमें भी अल्लाह ताला ने हमें खैर के मौके दिए हैं और हम इस खैर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं अगर मुस्तफ़ीद होना चाहें। इसी तरीके से यहाँ पर जो है इफ्तार कहते हैं इफ्तार नहीं होगा, इफ्तार पार्टियां बंद, ये सबसे बड़ी फिक्र है मेरे भाइयों। कम से कम ख्वातीन को मौका मिलेगा जो इबादत कर सके, क्योंकि इफ्तार पार्टियों के चक्कर में हमारी ख्वातीन को सुबह से लेकर शाम तक मतबख में रहना पड़ता था और उनको जिक्र अज़कार तिलावत और इबादत का मौका हम नहीं देते। अब कम से कम इफ्तार पार्टियां बंद होगी तो औरतों ख्वातीन को फुर्सत मिलेगी और वो ये माह मुबारक अल्लाह की इबादत में गुजार, ये खैर का पहलू अल्लाह ताला ने रखा। तो जो है जो इफ्तार पार्टी के नाम से जो कुछ वावेला किया जाता, डिशों पर डिशें जो है तैयार होती थी और इस तरीके से इससे हम बच सकते हैं। इतरिया नमूद बड़े बड़े बोर्ड लगते, खेमे लगते थे इफ्तार पार्टियों के, इस रिया नमूद से बच सकते हैं। इफ्तार कराना है आप पैकेट बनाइए, पैसे लेकर जाइए, गरीबों को दे दीजिए, गरीबों के घर को पहुंचा दीजिए, ना उसमें रियाकारी होगी, ना दिखावा होगा और ना उसमें माँ जो है खाना जाया होगा और जो है घर भर बच पका के खाएंगे, आराम से उनका भी गुजारा होगा, ये खैर का पहलू।
पहले आप दावत देते थे इफ्तार पार्टी में, कौन लोग आते हैं? आमतौर से मोटे लोग, शरीफ लोग नहीं पहुंचते, शरीफ लोग ऐसी महफिलों में नहीं जाते। वही लोग जो रोजा नहीं रखते वो भी पहुंचते थे। कितने गैर मुस्लिम आते थे इफ्तार करने के, कितने लोग जो है इफ्तार को वोट लेने का जरिया बना रखा था, वोट लेने के लिए इफ्तार कराते थे ताकि इस तरह इफ्तार पार्टी में बुलाएंगे लोग वोट देंगे। कितने गैर मुस्लिम खाते थे इफ्तार पार्टी के नाम पर। ये तमाम चीजें जो गलत हो रही थी, इस साल अल्लाह ने मौका दिया है इस गलती से हम बचे। और इफ्तार कराने का तरीका यह है कि आप गले उनके घरों को पहुंचाइए, पैसे उनके घरों को, इफ्तार का सामान उनके घरों को पहुंचाइए। गरीब है, मिस्कीन है, बेवाएं, यतीम है, और ये लॉकडाउन की वजह से जो परेशान हाल है, भूखे मर रहे हैं, उन तक पहुंचाइए। इसमें ज्यादा सवाल और इसमें रयाकारी भी नहीं होगी, दिखावा भी नहीं होगा, नामो नमूद भी नहीं होगा, और इस तरीके से जो है हम नेकियां कमा सकते हैं। तो इफ्तार पार्टी के इंशाल्लाह उन बता सकते हैं। और तरीके से जो है अब देखिए इफ्तार पार्टियों में मस्जिदों की भी कितनी बेहरमती होती थी, सब जानते हैं। मस्जिदों के बगल में खेमे लगते थे, वहीं आकर के लोग इफ्तारी करते थे, मस्जिद का हमाम इस्तेमाल करते, वहीं सिगरेट नोशी करते थे, और नमाज के लिए कोई मस्जिद इफ्तारी किए, खाए और वहीं से चलते। तो ऐसे लोगों को खिला कर क्या पाएगा? ऐसे लोगों को खिला कर इफ्तारी किसको करेंगे? रोजेदारों को, नमाजियों को, उससे सवाब मिलेगा। ऐसे बेरोजा लोगों को खिला कर हमें सवाब नहीं मिलेगा। याद रखें इफ्तारी नहीं होगी, इफ्तारी का सवाब नहीं, पेट भरिए वो अलग चीज मामला, कोई भूखा है खिला दीजिए वो अलग चीज मामला है, लेकिन इफ्तार के नाम पर ऐसे लोगों को खिलाना ये गलत। इसी तरीके से तस्वीर कशी की बिदात से हम बच जाएंगे। इफ्तार कराते थे फोटो लेते थे, इफ्तार करा के फोटो खींचते थे और उसको फिर शेयर करते थे। इससे भी अल्लाह ताला ने इस साल हमें निजात दे दी है, कुल्लू मुसव्विरिन फिल नार की फहरिस्त में हम दाखिल नहीं होंगे, कि हर तस्वीर बनाने वाला जहन्नम में जाएगा। और इसी तरह जिसकी तस्वीर खींचते थे उसके भी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाते, खाना खिलाकर तस्वीर खींचे। तो बहरहाल ये तमाम मफासिद जो है ये खत्म होंगे और इस तरीके से हम इफ्तार का भी अजर सवाब पाएंगे। सही तरीके से पूरे इखलास लिल्लाहियत के साथ हम ये फरीजा अंजाम दे सकते। तो इस तरीके से ये वादे होना चाहिए कि ये ब्रेक डाउन रमजान से मुस्तफीद होने में माने नहीं। आप घरों में जमात करेंगे उतना ही सवाब आपको मिलेगा। वलहुम अजरुन गैरु ममनून, कि जो लोग ईमान और अमले सवाले से मुत्तसिफ, जो अब तक जमात के साथ नमाज पढ़ते रहे, अब घर में उन्हें इनफरादी तौर से पढ़ना पड़ता है या बच्चों के साथ जमात बना के पढ़ते हैं, दोनों सूरतों में उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने का अजर लाता उनके माजी के, माजी में वो जमात के पाबंद थे, अब वो जमात की पाबंदी मस्जिद बंद है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, घरों में नमाज पढ़ रहे, उनको पूरा सवाब अल्लाह ताला देगा। ये सवाब नहीं, इसलिए परेशान तमाम मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत में दिल लगाकर उसकी इबादत करनी चाहिए। और इसी तरीके से मौका मिला हुआ है कि हम अहले खाना की तरबियत, अहले खाना को नमाज पढ़ाएं, उनके साथ पढ़ेंगे नमाज, उनको बच्चों को भी ट्रेनिंग हो नमाज कैसे पढ़े, और इस नमाज के जरिए घर में खैर व बरकत नाज़िल, घर में खैर व बरकत का नुज़ूल होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब तुम नमाज पढ़ो मस्जिद में तो घर के लिए भी कुछ हिस्सा बाकी रखो, नवाफिल को घर में जाके, सुन्नतों को घर में पढ़ा, ताकि इससे घर में खैर व बरकत नाज़िल हो। तब तो मौका मिला हुआ है कि हम फर्ज भी पढ़ते हैं, नवाफिल भी पढ़ते हैं, सुन्नतें भी घर में पढ़ें, और इस तरह खैर घर में खैर व बरकत का नुज़ूल। तो ये खैर का मौका अल्लाह ताला, इस तरह हम अपने खैर घरों में खैर व बरकत को हासिल कर सकते हैं, और इस तरह रहमत का नुज़ूल हमारे घरों में होगा, और ख़वातीन को भी जमात के साथ नमाज पढ़ने का अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। ये मौका दिया अल्लाह ताला ने, जो पूरे साल महरूम रहती, रमज़ान में भी नहीं जाने को मिलता था उन्हें मस्जिदों में,
अब मौका मिला है, घर में आप जमात कराइए, जमात के साथ बच्चों को लेकर नमाज पढ़िए, खवातीन को भी जमात, वो भी अजर सवाब को कमाए, और इस तरीके से आपको भी, बहुत से लोग नमाज का वक्त हो गया कोई मस्जिद में आगे बढ़ाता नहीं, बढ़ते नहीं, नहीं मैं नमाज नहीं, तो आप घर में ट्रेनिंग का मौका है कि सीख लीजिए कि नमाज कैसे पढ़ाते हैं, कुछ सूरतें याद कर लीजिए, रुकू सुजूद कैसे करते हैं, ये सीखने का अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि आपको ट्रेनिंग हो जाए, आप भी इमाम बन सके, आप भी नमाज पढ़ा सके। हर मुसलमान को इस काबिल बनने की कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कि तलाश करें भाई कोई इमाम आए, कोई अजान देना हुआ कोई अजान देने वाला नहीं, नहीं अजान सीखें, नमाज सीखें, ये अच्छा मौका मिला हुआ है कि घरों के अंदर आप ये नमाज का एहतमाम करके आप ये तालीम हासिल कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो है तलाक के नमाज के अहकाम मसाइल सीखने का भी मौका मिल गया, आप किसी बहाने आप कोशिश करेंगे कि नमाज के जमात के अहकाम मसाइल सीख ले, कि कैसे नमाज पढ़ना है, क्या करना है, अभी तो इमाम जो नीयत इमाम की वो नीयत हमारी, तो ये है हम मजबूर हैं कि ऐसी सूरत में हम नमाज के अहकाम मसाइल सीखें कि कैसे नमाज पढ़ी जाती है और कब सजदे सो लाजिम होगा, कब सजदे सो लाजिम नहीं, ये मौका मिला हुआ है दीन को सीखने का, अल्लाह ने और अच्छा मौका दिया है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम अपनी रोजे की हिफाजत कर सकते हैं, आंखों की जिना से बच सकते हैं, आप ब्रेक डाउन होने की वजह से घर से बाहर जाना नहीं, इसलिए हमारी निगाहें गैर औरतों पर पड़ने वाली नहीं है, और इस तरीके से हम अपने रोजे की हिफाजत कर लें, अपनी आंखों की हिफाजत, ये मौका दिया अल्लाह तआला, तो इस ब्रेक डाउन में खैर के बहुत से पहलू हैं, इसलिए हमें हैरान और परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि इन अय्याम से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जो रमजान की रातों में रात रात भर लोग घूमते थे, मटर गश्तियां करते थे, बकवास करते थे दोस्त अहबाब के साथ में, अल्लाह तआला ने मौका दिया है इससे निजात, इससे निजात दिया, आपने घर में आप ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में सर्व कर सकते, लायानी गुफ्तगू से आप बच गए, जो है गलत मुलाकातों से बच गए, ये अल्लाह ताला ने अच्छा मौका दिया नेकी कमाने का। तो बहरहाल ये रमजान से हम अगर इस्तेफादा करना चाहते मेरे भाई बहुसन खूबी हम इस रमजान से इस्तेफादा कर सकते और ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेट सकते, हमारी नेकियों में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि बहुत सी गलत चीजों से अपने आप को हम बचा सकते। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम जो है इस माह मुबारक से सही माने मुस्तफीद और ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटने की हम कोशिश करें, और अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला ये उबा और ये बला जो पूरे आलम पर इस वक्त मुसल्लत है अल्लाह तबारक तआला इसको दूर फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी मस्जिदों के दरवाजे हमारे लिए खोल दे, अल्लाह ताला हरमैन के दरवाजे हमारे लिए खोल दे, अल्लाह तबारक तआला जो है वो दिल लाए कि जब हम मक्का और मदीना जाएं और हज और उमरे की सआदत से मुशर्रफ हों, अल्लाह ताला से हमें ये दुआएं करनी चाहिए कि मौका मिला है इस माह मुबारक में अल्लाह के सामने रोएं गिड़गिड़ाएं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, तन्हाई में बैठ कर अल्लाह को याद कर आंसू बहाएं, ताकि मेरे भाइयों ये भला हमसे अल्लाह ताला इस भला को जल्द से जल्द हमसे दूर फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी बातों को कबूल फरमाए। वैसी पर अपनी बात में खत्म करता हूँ, अल्लाह ताला आकमल हाकमीन हमें हमेशा खैर की तौफीक अता फरमाए, सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम व जज़ाक جزاك الله خيرا واحسن الجزاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا سمير بھائی جزاك الله خيرا اس سے پہلے کہ سوالات کا سلسلہ سٹارٹ ہو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا جب آپ لوگ جوائن کرتے ہیں زوم کی میٹنگز زوم کے درس پہ تو پلیز اپنے مائک ان میوٹ نہ کریں جب آپ آتے ہیں میوٹ رہتے ہیں لیکن جب آپ ان میوٹ کرتے ہیں تو شیخ کا درس بیچ میں ڈسٹرب ہوتا ہے اور لوگوں کو ڈسٹربنس ہوتی ہے کافی لوگوں نے کمپلین کیے ہیں کہ پلیز میوٹ کریں
हम लोग कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यूस म्यूट करने की, है ना। आइंदा प्लीज़ ध्यान रखें कि ये आप जब एंटर होते हैं म्यूटेड एंटर हो। हम लोग भी यहाँ ऑप्शन में डाल दिए हैं कि म्यूटेड रहे। दूसरी चीज़ ये है कि इंशाल्लाह अगर अगले हफ्ते से अगर रमज़ान स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, तो पीर के दिन मुश्किल होगा दर्स रखने का। तो शेख जुम्मा के दिन क्या इरादा है, दोपहर में एक या डेढ़ बजे रखा जाए? क्या प्रोग्राम जैसे आपने किया है जुम्मा के दिन दोपहर में? सब लोग फारिग भी रहेंगे, तरावी वगैरह का भी सिलसिला नहीं रहेगा, तो हम लोग इंशाल्लाह जुम्मा के दिन रख सकते हैं, अगर आप तैयार हैं शेख। मैं तो तैयार हूँ, अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं तैयार हूँ इंशाल्लाह, मेरी तरफ से कोई बात नहीं। जी हमारे समीर भाई, दो बातें थोड़ी बतानी थी। एक तो ब्रेकडाउन ने लॉकडाउन, और जुम्मा के दिन आपने कहा कि तरावी नहीं रहेगी, वो क्या बात है, नहीं समझ आई? नहीं नहीं, जुम्मा के दिन नहीं, दूसरे दिनों में तरावी रहेगी, पीर के दिन तरावी रहेगी। तो पीर को दिन में कह रहे हैं, जुम्मा के दिन छुट्टी होगी, इसलिए कह रहे हैं जुम्मा के दिन, दिन में शाम को तरावी में मशगूल रहेंगे लोग। तरावी तो पूरे रमजान महीने में रहेगी, और हम लोग तो लॉकडाउन में हैं यहाँ सऊदी अरब में, और इंडिया का अभी हाल नहीं मालूम सब जगह पर कैसे हैं। और माशाल्लाह तबारकअल्लाह, इंडिया वालों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, वो दिन हो या रात हो, वो लोग माशाल्लाह रेस्टोरेंट भी खुली रहती है और काम भी करते हैं। वो हाल हमारा जीसीसी में नहीं है, वो हिम्मत जी। जैसे हसबे मामूल इंशाल्लाह हम लोग हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। अभी जिनको क्वेश्चन पूछना हो, जो मर्द हज़रात हैं, प्लीज़ अपना हाथ ऊपर उठाएं, रेज हैंड करके, इसमें एक ऑप्शन है जूम में, तो आप रेज हैंड करेंगे। मुझे भाई जब आपके पास यूट्यूब पे क्वेश्चन होगा तो आप रेज हैंड करें, तो मुझे पता है कि आपको चांस देना है। और लेडीज़ अपना क्वेश्चन इसमें लिख सकते हैं, लेडीज़ जो हैं वो क्वेश्चन लिख के टाइप कर सकते हैं। यूट्यूब पे ऑलरेडी 4 सवाल आ चुके हैं, आप जब मौका देंगे मैं एक एक करके पूछते जाऊंगा। जी यहाँ पे भी सवाल आना स्टार्ट हो गए हैं, एक एक पूछते रहे ना, एक यूट्यूब का, एक इसका, फिर एक यूट्यूब का, फिर एक YouTube का सवाल पूछता हूँ। हाँ। एक सवाल है कि क्या हम लोग अगले साल की जकात इस साल निकाल सकते हैं, यानी दो जकात एक साथ, क्योंकि इस साल बहुत लोग जरूरतमंद है, प्लीज स्पेसिफाई, जजाकल्ला खैरन। ये तो शेख यूट्यूब पे भी सवाल आया, ने ऐसे ही सवाल किसी और ने भी पूछा था मुझे, और चूंकि आज अपना दर्स था इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया था, जजाकल्ला। तो देखिए, ज़कात में ताखीर जायज़ नहीं, तकदीम जायज़ है, तकदीम जायज़ है, वक्त से पहले ज़कात दी जा सकती है ज़रूरत के तहत, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुखारी की रवायत है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़कात वक्त से पहले वसूल की, हज़रत अब्बास से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त से पहले ज़कात वसूल की थी, इसीलिए उलमा कहते हैं ज़कात में तकदीम जायज़ है, वक्त से पहले जरूरत पेश आ गई तो ज़कात निकाली जा सकती। तो आज चूंकि हालात आज इस साल खराब हैं, लोगों को ज़रूरत है, तो अगर कोई आइंदा साल की ज़कात देना चाहता है तो दे सकता, लेकिन उसका हिसाब सही रखना चाहिए शेख, लेकिन ज़कात की नियत से। आम सदकात भी तो हैं। हाँ, आम सदकात भी हैं, लेकिन जो है ज़कात भी दी जा सकती। वैसे तो रमज़ान में ज़कात ही पर इक्तफा नहीं करना चाहिए, जो है ज़कात के अलावा जो है ये महीना नफली सदक़ात का महीना, ये महीना नफली सदक़ात का महीना है, इसलिए इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नफली सदक़ात करने की कोशिश। ज़कात तो देना ही देना है, उसके बगैर तो चारा नहीं है, वो तो फरीज़ा है, लेकिन आमतौर से हमारे यहाँ जो क्वेश्चन हो गया है कि ज़कात ही पर लोग इक्तफा करते, ज़कात ही पर इक्तफा करते हैं, नफली सदक़ात की तरफ आगे नहीं बढ़ते, नहीं नफली सदक़ात में आगे। शेख यहाँ पे सवाल है कि
ये लॉकडाउन चल रहा है तो मस्जिद में जो लोग एतिकाफ करते थे उस बारे में क्या? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, एतिकाफ के लिए मस्जिद का होना शर्त, एतिकाफ के लिए मस्जिद होना शर्त। अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। तो एतिकाफ कहते हैं मस्जिद में ठहरने, एतिकाफ कहते हैं मस्जिद में ठहरने को, क्योंकि मस्जिद बंद है इसलिए एतिकाफ नहीं हो। हाँ, इबादत होगी, आप घर में बैठकर इबादत करें, लेकिन वो पाबंदियां जो एतिकाफ में होती हैं वो पाबंदी आप पर आयद नहीं होगी। हाँ, इबादत कीजिए, तलावत कीजिए, नमाज पढ़िए, जिक्र अजकार कीजिए, तमाम इबादतें जो एतिकाफ में करते थे कीजिए घर में बैठ करके, लेकिन उसको एतिकाफ की पाबंदी आयद नहीं होगी, क्योंकि एतिकाफ कहते हैं मस्जिद में ठहरने को, घर में ठहरने को एतिकाफ। यानी शेख, जवाब ऐसी हो गया कि घर में एतिकाफ नहीं होगा। हाँ, घर में एतिकाफ नहीं, एतिकाफ मस्जिद के लिए खास कहते हैं, एतिकाफ कहते हैं मस्जिद में ठहरने, और घर आपका ये मस्जिद नहीं। जजाकल्ला, ऐसे ही सवाल इस पर भी था YouTube पर, तो उनको भी जवाब मिल गया। जजाकल्ला जी। यहाँ एक सवाल है कि वो वही कि इशराक के बारे में, कि जो अपने जगह पे बैठे फजर के वक्त और फिर इशराक का वक्त होता है, फिर उसके 15 मिनट के बाद ये करे तो उसको हज और उमरे का सवाब मिलता है। रहनुमाई करें, रहनुमाई करें इस बारे में। हाँ, हदीस सही है, हदीस सही है, सुनन तिर्मिज़ी की रवायत है कि जो शख्स फजर की नमाज के बाद अपनी जगह पर रहे, अज़कार में मशगूल रहे, यहाँ तक कि सूरज निकल आए, सूरज निकलने के बाद अगर वो 2 रकात पढ़ता है तो उसको हज और उमरे का सवाब मिलता है, पूरा का पूरा हज उमरे का। तो इंसान को चाहिए कि अगर हज सवाब लेना चाहता है तो फजर की नमाज पढ़े और बैठकर जिक्र अजकार तिलावत में लगा रहे। अब ये मसला नहीं कि उसी जगह बैठा रहे, मतलब आगे पीछे हो सकता है, ये मतलब नहीं कि अपनी जगह पर बैठा ही रहे, तो उसी जगह पर जहाँ नमाज पढ़ी है वहीं पर रहना चाहिए उसको, और ये वक्त जिक्र अजकार तिलावत वगैरह में गुजार। जी जी शेख, मैं पूछूं? जी जी। हाँ, यहाँ पर एक सवाल है कि शेख साहब, ताबीज का जो मसला है उसकी वजाहत कर दें। कुछ लोग कहते हैं कि पहन सकते हैं कि वो तो कुरान में भी पीछे की तरफ लिखे होते हैं। शुक्रिया। देखिए, ये कहना कि ताबीज कुरान में लिखा रहता है, तावीज कुरान में नहीं, ये जुल्म किया है कुछ लोगों ने। कुरान वही है जो सूरह फातिहा से शुरू होकर सूरह नास पर खत्म, और अगर कोई शख्स उसके हाशिए में दाएं बाएं इस तरह की कोई चीज लिखता है तो ये उसका जुल्म है कुरान के साथ, वो जालिम है वो शख्स जो कुरान में इस तरह की चीजें शामिल करता। कुरान बिल्कुल या तो जो है बिल्कुल सादा होना चाहिए, सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक जो है सादा होना चाहिए, और अगर लिखा है तो उसका तर्जमा ज्यादा से ज्यादा तफसीर और तर्जमा, और फिर वो कुरान के हुक्म में नहीं होगा, फिर वो कुरान के हुक्म में नहीं। लेकिन जहाँ जो कहते हैं कुरान में तावीज लिखा हुआ, कुरान में नहीं है, वो लोगों ने इजाफा किया है और नक्शे बनाए हैं तावीज के, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस से मन अल्लक तमीमतन फकद अशरका, जिसने तावीज लटकाई उसने शिर्क। बल्कि एक वफ़द आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मुस्नद अहमद वगैरह की रवायत है, एक शख्स आता है, एक वफ़द आता है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लोगों से बैत ली, उसमें से एक शख्स से आपने हाथ खींच लिया। वो बैत करने आया इस्लाम कबूल करने के लिए, तो आपने अपना हाथ खींच लिया। लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह, आपने 9 आदमियों से तो बैत की और ये 10वां आदमी था इससे आपने हाथ खींच लिया।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके गले में देखो क्या, इसके गले में तावीज। तो अल्लाह जो है जब उसने ये बात सुनी तो उसने तोड़ करके फेंक, हजरत उकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला से रावी है, क्योंकि उसने जो है तोड़ करके फेंक दिया अपनी ताबीज। तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बैत ली अल्लाह की। तो ये कहना कि कुरान में ताबीज लिखा हुआ इसलिए लिखना जायज नहीं, ताबीज गंडा जो है ये शिर्किया अमल है, इससे दूर रहना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब यहाँ पर शुबा होता है, कहते नहीं भाई कुरान की आयत, कुरान की ताबीज है, कुरान गैर कुरानी ताबीज लटकाना जायज नहीं है, लेकिन कुरानी ताबीज तो जायज, कुरान अल्लाह ही का कलाम। तो ये जो है आमतौर से जो है वो पेश किया जाता है, मेरे भाई अल्लाह का कलाम है, सूरह फातिहा अल्लाह का कलाम है कि नहीं, तो उसको सजदे में क्यों नहीं पढ़ते, रुकू में पढ़ा करो, क्यों पढ़ना जुर्म है, रुकू सजदे में कुरान पढ़ सकते हैं, कुरान इसलिए पढ़ो भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में जब कोई काम किया जाएगा तब वो इबादत होगी, तब उसकी फजीलत होगी। यही सूरह फातिहा अगर क़याम में नहीं पढ़ता तो उसकी रकात नहीं होगी, और यही सूरह फातिहा अगर रुकू और सजदे में पढ़ता तो गुनहगार हो, यही रोजा रमजान में ना रखे तो गुनहगार, यही रोजा अगर ईद के दिन रखता है तो गुनहगार। असल चीज नबी की इत्तिबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर कोई काम करेंगे तो वो नेकी उसे नहीं कह सकते, वो नेकी नहीं है, नेकी वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बहुत सी दवाओं की तजवीज की अब, लेकिन कहीं कोई ज़खीरे हदीस में कोई तावीज का नुस्खा बता दे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तावीज बताई। अल्लाह के नबी पढ़ने का हुक्म, कुरान पढ़िए, उन्होंने दिलों में कुरान मा शिफाउन व रहमतुल मुमिनीन, कुरान में शिफा है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस तरीके पर जिस तरीके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो कहते हैं कुरान की तावीज जायज है, अब कुरान की तावीज अगर जायज है तो याद रखें 99% वो लोग जो कुरानी तावीज कह के इसको आम किए हुए हैं 99 उनकी तावीजें खोल कर देखें, उनकी तावीजें तोड़ के देखें, वो कह देते वसीयत कर देते हैं कि भाई इसको तोड़ना नहीं खोलना नहीं वरना नुकसान हो जाए, इसीलिए डर के मारे लोग उस तावीज को खोलते नहीं, उसको खोल को देखिए क्या है, उसमें लकीरें मिलेंगी, उसमें नंबरात मिलेंगे, ये तावीज ही पुरानी तावीज का ही हाल, उसके अंदर गैरुल्लाह के नाम से इस्तगासा इस्तियानत मिलेगा, या तो या जबरील या मिकाईल हो या बुद्धो जिन्हों की इस्तगासा फरिश्तों से इस्तगासा और इस्तियानत और इस तरह की चीजें पुरानी तावीज में पाए, और आप पुरानी तावीज दे लिए कुरान में जो लोगों ने जो है शामिल किया है क्या है, वो नंबरात ही तो है, हर सूरत का नंबर मुकर्रर तावीज बना दिया, नंबरात लिख दिए, कहते हैं कुरानी तावीज है, वो नंबरात कुरान है। तो अव्वलन तो कुरानी तावीज के नाम पर गैर कुरानी तावीज को रिवाज दिया, आप कैसे दूसरे को रोकेंगे, कोई भी कैसे पता लगाएंगे कि कुरानी तावीज है ये गैर कुरानी तावीज, और फिर अगर कुरानी तावीज है कुरान की आयतें लिखे तो क्या कुरान की बेहरमती जायज है, आप अपने कमर में बांधते हैं, अपने बाजू में बांधते हैं, गले में लटकाते हैं, इसी हालत में नजासत की हालत में लेटरिन में भी जाते हैं, बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं उसी हालत में, और सोते हैं रोंदते हैं उसको, तो कुरान की बेहरमती होती है कि नहीं होती, तो कुरान की बेहरमती, और इसी नहीं ऐसी तावीजें भी शर्मगाह में रखने के लिए तावीजें लिखी जाती हैं, शर्मगाह में रखने के लिए खवातीन को तावीज दी जाती है, इसको अपनी शर्मगाह में रखो, ये कुरान की हुरमत है, और यही कुरान की तावीज जिसको खून से लिखा जाता है, जिसको पेशाब से लिखा जाता है, ये कुरान की भी हुरमती नहीं है कि कुरानी तावीज पेशाब और खून से लिखा जाए। तो इस तरीके से जो है कुरान को बेहरमती से बचाने का तकादा ये है कि हर तरह की तावीज से रोक, क्योंकि अवलन तो इसकी कोई दलील नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब तावीज से मना किया है, तमीमा से मना किया है, जबकि और जो है दूसरी चीज ये कि जो है इससे कुरान की बेहरमती हो, कुरानी तावीज से कुरान की बेहरमती हो। और मेरे भाइयों
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेगा लटकाने से भी, पूरा कुरान रखा रहता है घर में, आग लगती है कि नहीं लगती, मस्जिद में कुरान रखा रहता है चोरी होती है कि नहीं। तो कुरान रखने से फायदा नहीं, कुरान पढ़ने से फायदा। अब दवा डॉक्टर लिख के दे, अब लाके गले में उसको बांध के लटका ले, कोई फायदा होगा? उसको जब खाएंगे तब फायदा, कुरान पढ़ेंगे तब फायदा, कुरान लटकाने से कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है, ये वाजे होना चाहिए। जी अहमद भाई का क्वेश्चन है, अहमद भाई आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अहमद भाई आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो हैं वो हैं अंजुम भाई। अंजुम भाई का जो क्वेश्चन है वो है कि औरतें तरावी पढ़ रहे हैं और कुरान हाथ में ले रहे हैं, हाथ में पकड़ के कुरान पढ़ रहे हैं, क्या वो कुरान एक तकिये पे रख सकते हैं रुकू और सुजूद करते वक्त? देखिए बेहतर तो ये होगा कि एक स्टैंड बना लें, जो आपको पूरे रमजान पढ़ना है, तो एक स्टैंड बना के उस पे रखें, या कोई ऊंची मेज हो या ऐसी चीज हो इसको सामने रख लें, स्टैंड रहे सबसे बेहतर है, नहीं तो वरना जो है उसको तकिये पर इस तरह से रख सकते हैं, कोई मजायका नहीं उसमें, क्योंकि हाथ में लेने में तकल्लुफ होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टैंड बना लें ताकि उस पर रखें और रख करके पढ़ें तो बार बार जो है उसमें मशगूलियत भी नहीं होगी, सिर्फ वर्क उलटने के वक्त हाथ को इस्तेमाल करना हो, या कोई ऊंची चीज है, ऊंची मेज है, इस तरह की कोई चीज है तो सामने रख लें बगल में उसी पर। फैज भाई आपका सवाल आप पूछ सकते हैं। मुजीब भाई आपके पास यूट्यूब पे अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, यूट्यूब पे आखिरी सवाल ऐसा है कि अगर कोविड की रिपोर्ट आने तक किसी मरीज का ट्रीटमेंट शुरू ना किया जाए और उसी दौरान उसका इंतकाल हो जाए तो क्या वो शहीद के दर्जे में आएगा? इसके अलावा भी चार पांच सवाल आते हैं। देखिए अल्लाह ताला से हमें खैर की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन किसी को शहीद का टाइटल नहीं दिया जा सकता, शहीद का टाइटल किसी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर वो इस तरह के अमराज में मरा है, इंशाल्लाह जिन बीमारियों की कुरान और हदीस के अंदर तायीन है उसमें हम कहेंगे इंशाल्लाह आखिरत में वो शहीद है, आखिरत में वो शहीद है। जैसे मबतून को पेट की बीमारी से मर जाए, जल कर मर जाए, डूब कर मर जाए, कोई हादसे में जो है दीवार गिरी ऊपर उसमें मर गया, इस तरह के या ताउन की बीमारी में मरा है, तो इस तरह अमराज में जो है और इस तरह के असबाब से जो है, या मन कुतला दूना माली जो अपने माल की हिफाजत मारा जाए वो भी शहीद है, मन कुतला दूना नफ्स से अपनी जान की हिफाजत मारा जाए वो भी, तो शहदा के बड़े अकसाम है, तो हमें इंशाल्लाह खैर की तवक्को है, लेकिन यकीन के साथ तो हम नहीं कुछ, अगर वो उस बीमारी में मरा है तो इंशाल्लाह वो तो फैसला अल्लाह तबारक तआला का है, हम तो जानते नहीं, अभी तक तहकीक भी नहीं हुई कि वो किस वजह से मरा है। टाइटल देने का बड़ा शौक होता है, जल्द से किसी को भी हम शहीद, खैर की तवक्को रखना और चीज है, किसी को टाइटल देना। हाँ क्या फरमा रहे थे आप? छोटा सा सवाल है, क्या औरतें घर में इतिकाफ कर सकती हैं? नहीं, इतिकाफ के लिए मस्जिद है घर नहीं, वो तो पूरे साल घर में मौतकिफ, घर में इतिकाफ बिदअत, घर में इतिकाफ करना ये बिदअत है, बाज लोगों ने इस बिदअत को रिवाज दिया है, जिन लोगों ने मस्जिद के दरवाजे खवातीन के लिए बंद किए तो उन्होंने की जरूरत पड़ी इस बिदअत को इजाद, और कहानी औरतें अपने घरों में इतिकाफ नहीं, एहतिकाफ मजाज मतहरात जिनके घर से बढ़कर
का घर बाबरकत नहीं हो सकता है, अजवाज मतहरात के खेमे मस्जिद नबी में लगते थे, गुजरों में नहीं इतकाफ। एतकाफ कहते हैं मस्जिद में ठहर, इंतजाम है खवातीन के लिए, बाकायदा इंतजाम है मस्जिद में, ठीक है एतकाफ करेंगे। अगर इंतजाम नहीं है मस्जिद में तो उनके लिए एतकाफ नहीं है, वो घर में रहकर अल्लाह की बात करें, नमाज़ करें, तिलावत करें, नमाजें पढ़ें, इबादत करें, लेकिन उसका एतकाफ कहना और एतकाफ की पाबंदी ये नहीं हो सकती। अगर यही कहेंगे एतकाफ कर सकती हैं तो आप जो है तहियतुल मस्जिद ही पढ़ेंगी, कहते नहीं हमेशा नमाज पढ़ते थे, तहियतुल मस्जिद उनके लिए है कि जहां वो नमाज पढ़ती हैं वहां तहियतुल मस्जिद पढ़े, नहीं मस्जिद के लिए तहियतुल मस्जिद, मस्जिद के लिए, मुसल्ला के लिए नहीं, मुसल्ला के लिए तहियतुल मस्जिद नहीं है, मस्जिद के लिए है कि एतकाफ मस्जिद के लिए है, एतकाफ कहते हैं मस्जिद, घर में ठहरने का नाम एतकाफ नहीं। शेख, यहाँ एक बहन का सवाल है कि माफ़ करना पसंदीदा है लेकिन जो मगरूर है अपने गलत अमल पे कायम है, और क्या उसे भी माफ़ कर दें जबकि गलत इंसान अपनी गलती पर ना शर्मिंदा है और ना कोई परवाह है उसे। देखिए जालिम से बदला लेना जायज, जालिम से मजलूम का जालिम से बदला ले जवाज है, वह अंताफु अकरबुल तक्वा, अगर अफ दरगुजर कर देता है, लेकिन अगर यह है कि जालिम का जुल्म बढ़ता जाए तो जालिम को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर यह खतरा है कि जालिम को अगर माफ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो उसका जुल्म और बढ़ जाए, तो अगर आप बदला ले सकते हैं तो बदला लीजिए ताकि जुल्म बढ़ने ना पाए। जी मुजीब, मैं आपके पास क्वेश्चन। हाँ, ये जो राइज दुआ है हमारे इधर, उसके बारे में कुछ बताइए। इफ्तार की, इफ्तार की दुआ जो राइज फिल आजम है, किस हदीस में है? अल्लाह मलका सुमतु वाला रिज्क का अफ्तर तो जी ये मुरसल रवायत है, सही नहीं। ذهب الدم وابتلت الورق وثبت الاجر ان شاء الله, ये रवायत हसन दर्जे की है। ज़हब अज़म वब्तलत अलवरूक वसबत, यानी शुरू में बिस्मिल्लाह कहें, इफ्तारी जब शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह, इफ्तारी के बाद कहेंगे ज़हब अज़म वब्तलत अलवरूक वसबत अलअज्र, और जो अल्लाहुम्म लका सुमतु अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, ये रवायत मुरसल है, जो है सही नहीं, ज़ईफ। शेख साहब, यहाँ सवाल है कि फिदिया के बारे में बताइए, और एक गरीब इंसान, प्लीज़ क्लेरिफाई डेफिनेशन ऑफ, कि गरीब इंसान जिसको हम ज़कात दें, क्या किसी के पास अगर घर है तो क्या वो भी ज़कात के लिए मुस्तहिक है? क्या ज़कात अपने नौकरों को दे सकते हैं? देखिए ज़कात इन्नमा सदक़ातु लिल्फ़ुक़राए वल मसाकीन, ज़कात ये फ़ुक़रा और मसाकीन, पहले नंबर पर जिक्र किया, पहले और दूसरे नंबर, आठ हैं मुस्तहिक़ीन ज़कात आठ, लेकिन उनमें से पहले नंबर और दूसरे नंबर पर फ़ुक़रा और मसाकीन को अल्लाह ने जिक्र किया। और फ़कीर और मिस्कीन कहते हैं जिसकी आमदनी उसकी ज़रूरियात के लिए काफ़ी ना, जिसकी आमदनी उसकी ज़रूरियात के लिए, ये नहीं कि उसके पास घर ना हो, उसके पास कुछ ना हो, ये जरूरी नहीं भाई, घर ही जरूरत है, घर रहेगा, लेकिन उसकी आमदनी, ये नहीं कि उसके पास नौकरी ना हो, उसके पास कारोबार ना हो, नहीं, अगर उसका कारोबार उसकी ना, उसकी जरूरियात जिंदगी के लिए काफी, नहीं खाने पीने पहनने ओढ़ने के जो अखराजात हैं साल भर के लिए काफी नहीं होता, साल के पूरा होने से पहले उसको कर्ज लेने की जरूरत पेश आ जाती, तो वो फकीर है, वो मिस्कीन। और फकीर और मिस्कीन में फर्क इतना है, दोनों जरूरतमंद है, लेकिन फकीर की का फक्र वाजे होता है, लोगों को पता होता है, और मिस्कीन जो सफेद पोश है, हमारे यहाँ सफेद पोश कहते हैं कि जरूरतमंद होते हैं, उनकी जरूरियात की तकमील नहीं होती है, लेकिन वो जाहिर नहीं होने दे, वो जाहिर, ये हसब हुमुल जाहिल व अग्निया
من التعب سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں تو فقیر اور مسکین دونوں ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کی ضرورت سے زندگی اس کی آمدنی سے پوری اس کے پاس آمدنی ہو لیکن وہ کتنا کافی تو اگر مکان ہے تو تب بھی وہ فقیر ہے مکان ہونا اس کی مالداری کی علامت نہیں کہ مالدار بھی ہے بھائی مکان ہے لیکن ضروریات اس کی پوری نہیں ہوتی کھانا پینا کے گزارا نہیں ہو پاتا سال میں اس کو قرض لینے کی ضرورت پیش آتی وہ زکات کا مستحق شیخ اور وہ کیا اپنے نوکر کو زکات دے سکتے ہیں دیکھیے نوکر چاکر کو زکات جو ہے دینے سے بچنا چاہیے کیونکہ زکات کہہ کر اگر آپ زکات دیتے ہیں اس کو تو اس سے خطرہ یہ ہے کہ وہ آپ کی زیادہ خدمت کرے گا اور کہیں آپ کے نیت کے اندر بھی فطور آ جائے کہ جو ہے یہ ہماری زیادہ خدمت کرے تو جو ہے اس میں کوئی شک نہیں اگر مستحق زکات ہے تو زکات کا مستحق ہے آپ دے سکتے ہیں لیکن حق الوسع جو ہے یہ جذبہ نہ ہو کہ ہماری زیادہ خدمت یا اس کی وجہ سے وہ ہماری ہمارا زیادہ خیال رکھے یہ جذبات نہیں ہونے لیکن عام طور سے لوگ انہی لوگوں کو دیتے ہیں جن سے فائدہ پہنچنے کی امید یہاں ایک سوال ہے کہ کیا لڑکوں سے امامت کروا سکتے ہیں ان کو ہاں چھ سات سال کا بچہ ہے تو امامت کر سکتے صحیح بخاری کی روایت ہے عمر بن سلمہ جو ہے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چھ سات سال کے تھے اور اپنے قبیلے کے امام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ امام تھے امامت کرتے تھے کیونکہ قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن انہی کو یاد تھا جو ان کے والد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قبیلے میں گئے تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب نماز کا وقت ہو تو ایک اذان کرے کہے اور جس میں سے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے تو دیکھا گیا تو ان کو جو ہے سب سے زیادہ قرآن یاد تھا پورے قبیلے میں ان کی عمر چھ سات سال کی تھی اور ان کو لوگوں نے امام بنایا اور امامت بلکہ جو ہے ان کے کپڑے بھی تنگ تھے بیچارے جو نماز میں جاتے تھے جو بے پرد بھی ہو جاتے تھے تو خواتین نے کہا کہ اپنے امام کی سطر تو ڈھاکو پہلے امام بنائے ہو تو کہتے لوگوں نے میرے لیے کرتا بنوا دیا تو اس وقت مجھے بڑی خوشی تو کپڑا پا کر کے مجھے بڑی خوشی تو بہرحال بچہ بھی امامت کرا سکتا ہے جب وہ سن شعور یا سن تمیز جسے کہا جاتا ہے چھ سات سال یہ سن تمیز کو پہنچ چکا ہے کہ امامت کرا یہاں معظم بھائی کا سوال ہے حالانکہ پورا رمضان پڑا ہوا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صلاۃ العید گھر میں ادا کی جا سکتی ہے اور کیا اس کا طریقہ کیسے ہوگا کیا خطبہ بھی صلاۃ العید کے لیے صلاۃ العید گھر میں پڑھیں گھر عیدگاہ نہیں ہے اور عیدگاہ میں جیسے آج کل سہالت رہ گئی تو ہم عید کی نماز گھر میں پڑھیں گے کیونکہ نماز واجب ہے عید کی نماز خطبہ تو گھر میں پڑھیں گے خطبہ واجب نہیں ہے عید کی نماز کے لیے خطبہ واجب نہیں تو جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ واجب ہے عید کی نماز میں خطبہ واجب نہیں تو اس لیے عید کی نماز دو رکعت جو ہے تکبیرات کے اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے اگر تکبیرات کی ترتیب یاد ہے اور کہہ سکتے ہیں تو تکبیرات کے ساتھ پڑھیں گے لیکن اگر کوئی تکبیرات بھی نہیں کہہ سکا اور دو رکعت سادی پڑھ لی تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ تکبیرات یہ سنت ہے مستحب ہے واجب اور فرض نہیں ہے عیدین میں تکبیرات زوائد تکبیرات زوائد یہ واجبات میں سے نہیں ہے یہ سنن میں سے ہیں تو اگر کوئی تکبیرات نہیں کہہ سکا اور دو رکعت سادی پڑھ لی تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی لیکن تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں اٹھنے کے بعد پانچ تکبیریں کہنی چاہیے محمد نور بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوئے سوال کر سکتے ہیں محمد نور الحق جی ہمارے پاس میں یہاں ایک سوال ہے جب تک کہ آن لائن نہیں آتے عورتیں سر کا مسا کیسے کریں اور عربی لغا بولنا کیسا سیکھیں عورتیں سر کا مسا کیسے کریں دیکھیے اولاً تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ عورتیں جن کے بال لمبے ہوتے ہیں اس لیے وہ پوچھتی ہیں سر کا مسا کریں پورے بال پر مسے نہیں کرنا ہے سر پہ مسے سر پہ
आगे से पीछे गुद्दी तक ले जाएं बस, यानी कि पूरे बालों पर हाथ फेरना, गुद्दी तक सिर्फ पीछे ले जाना है, उसके बाद वापस लाना। तो इस सिलसिले में जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा भी लंबे बाल रखते, जुम्मा लुम्मा व फरा। तो अगर औरतों को ये कहना है कि भाई हमारे बाल लंबे होते, हम कैसे लौट पीछे से जब आगे लाएंगे तो जो है बाल बिखर जाएंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा सबके बाल लंबे होते, जुम्मा लुम्मा व फरा जो है या तो कानों तक या गर्दन तक या कंधे तक, ये बालों की आम कैफियत थी पाक सल्लम के, इस तरह रखते थे। तो उनको भी वापस लाते थे तो बिखरने का, बिखर जाए संभाल लें, लेकिन अगर आप औरतें आगे से पीछे ले गईं तो मसे हो गया, मसे उनका हो गया है, वापस लाना ये वाजिब नहीं, ये वाजे होना चाहिए। तो औरतें अगर आगे से पीछे गुद्दी तक हाथ ले गई तो मसे हो गया, लेकिन मुस्ताहब है, बेहतर है कि उसको भी पीछे से आगे लाया जाए। लेकिन अगर किसी औरत ने सिर्फ आगे से पीछे हाथ ले गई तो उसका मसे हो गया, लेकिन याद रखना चाहिए कि सहाबा के बाल भी लंबे हो। यहाँ अंजुम भाई का सवाल है कि क्या औरतें अगर जमात बना रही है तो इकामत देना चाहिए? हाँ, औरतें अजान इकामत उन पर वाजिब नहीं है, लेकिन कह सकती हैं, लेकिन जो है इकामत भी कह सकती है, अजान भी दे सकती है औरत, बशर्ते कि उनकी आवाज बाहर ना जाए, आवाज उनकी बाहर ना जाए, जाए सुनती, लेकिन ऊपर वाजिब नहीं, ना अजान वाजिब ना इकामत वाजिब। मुर्तजा भाई आपका हाथ उठा हुआ है, आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ये है कि अभी मौजूदा हालात में फितरा कैसे देंगे, यानी अगर लोग आसानी से मिल नहीं रहे तो यहाँ पर फितरा कैसे देंगे? यहाँ पर भाई फितरा यहाँ गल्ले लोग तकसीम कर रहे हैं, जरूरत है भूखों, तो ईद के मौके पर गल्ले तकसीम कर सकते। अच्छा, हाँ गल्ले तकसीम कीजिए, और यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ अगर जरूरतमंद नहीं मिल रहे अपने मुल्कों को आप फोन कर दीजिए वहाँ अपने अज़ीज़ अक़रबा को कि वो निकाल दें वहाँ। इंशाल्लाह जी मुर्तज़ा भाई, आप हमें कांटेक्ट कर दें। यहाँ मुस्तहिक नहीं मिल रहे हैं आपको तो अपने मुल्कों में ज्यादा मुस्तहिक इंशाल्लाह। बेशक बेशक, सही है। सलीम भाई आपका हाथ उठा हुआ है, क्वेश्चन कर सकते हैं। सलीम भाई, ये एक सवाल आया है कि अगर रिश्तेदार को कर्ज दिया है और उससे वापस नहीं मिला है तो क्या उस कर्ज के ऊपर भी ज़कात है? देखिए, कर्ज के सिलसिले में ये वादे इसकी दो किस्में हैं कर्ज, एक कर्ज जिसके मिलने की उम्मीद है, एक वो कर्ज जिसके मिलने की उम्मीद नहीं। अवलन तो शुरू में ये जाना चाहिए कि कर्ज देते हुए वक्त की तायिन होनी चाहिए कि साल भर के लिए, दो साल के लिए, तीन साल के लिए, कितने दिन के लिए। लेकिन हम शर्म मुलाहदे में जो है तायिन करते नहीं, दे देते। तो बहरहाल अगर कर्ज मिलने की उम्मीद है तो हर साल उसकी ज़कात देंगे, अगर मिलने की उम्मीद नहीं है तो उस पर ज़कात नहीं है। ऐसी रकम अगर कभी मिल जाए तो फिर एक साल की ज़कात उसको देनी हो। मिलने की ना उम्मीदी का मतलब यह है कि ऐसे शख्स के पास है जो टाल मटोल करने वाला है, इस्तेआत तो है लेकिन देता नहीं, आज ले लो कल ले लो परसों और इसी पे गुजारा हो रहा, इसका मतलब कि उसके मिलने की उम्मीद नहीं। या किसी ऐसे को कर्ज दिया है जिसके पास इस्तेआत ही नहीं, उसके पास है ही नहीं कि वापस कर सके। तो ये दोनों सूरतें ना उम्मीदी की, और इन दोनों सूरतों में ज़कात उस पर वाजिब नहीं है। ऐसी रकम जब बाई चांस मिल जाए तो फिर एक साल की ज़कात, लेकिन जो ज़कात जो कर्ज मिलने की उम्मीद है, जो है साहिब हैसियत है और वादा खिलाफ नहीं है, जब वादा किया है उस वक्त दे देगा, तो जब चाहेंगे मिल जाएगा तो उसकी ज़कात। या मुनाफ तालिब का एक सवाल है कि अगर कुरान पढ़ते हुए किसी वजह से कुछ हिस्सा छूट जाए तो क्या फिर से वहीं से दोहराना होगा जहां से छूट गया है? या अगर याद आ जाए तो वहीं से दोहराइए, अगर याद आ गया है तो उसको याद कर लीजिए।
अगर याद है तो कुरान की जो कि गलती है इसलिए उसको दोहरा लीजिए, कुरान गलत ना होने पाए। लेकिन अगर नहीं याद आए, आपने पढ़ लिया, खास तौर से नमाज में आप तलावत कर रहे हैं, कहीं कोई आयत छूट गई, अगर फौरन याद आ जाए तो उसको दोहरा लीजिए, वहां से लौटा लीजिए। लेकिन अगर नहीं याद आया, नमाज पढ़ ली तो नमाज आपकी होगी, उस पर सजदे 100 लाजिम नहीं है। सलीम भाई आपका हाथ उठा हुआ है, सवाल कर सकते हैं। जी भाई, जब तक सलीम भाई आते हैं। हाँ मुझे भाई, आप पूछ लीजिए। ऐसा है कि मैसेजेस आ रहे, 10 बज गए, वक्त की पाबंदी की जाए और वाइंड अप करने का मशवरा आ रहा है, और करना भी चाहिए। हम लोग सऊदी वाले अभी तक नमाज नहीं पढ़ पाए, खासकर वेस्टर्न रीजन वाले। ईस्टर्न रीजन वाले जो है वो आप लोगों के साथ नमाज पढ़ते हैं, भूख भी लगी है, तो वाइंड अप करने की गुजारिश है। और इंशाल्लाह जो भी शेख साहब ने हमको दर्स दिया है, अल्लाह ताला उसमें खैर बरकत दे और हमको समझकर उसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे, दूसरों को भी समझाने की तौफीक दे, ये हमारी दुआ है। और इंशाल्लाह सवाल तो चूंकि हमारे पास में यही लाइव लोग हैं, जी शेख सुना नहीं, वो किसी का माइक ऑन था, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, ऑलरेडी यहाँ पर जूम पर अपने पास 60 लोग हैं और तकरीबन उतने ही अपने पास 65 के करीब इस वक्त लाइव है वहां पर। कुछ लोग देख रहे हैं आपको डायरेक्ट, देखिए उन्हों सामने आकर सवाल करना नहीं चाह रहे हैं। मेरे घर में भी सामने आने की जरूरत नहीं है, सामने आने की जरूरत नहीं। मोहम्मद नूर साहब का एक सवाल था, वो काफी टाइम से हाथ उठाए हुए थे। जी आप अभी अनम्यूट हुआ अभी आपका। जी पूछिए सवाल। जी मैं क्वेश्चन करूं? जी पूछिए। जी बात ऐसा था कि वो मेरी वाइफ हमल से थी लास्ट ईयर, और क्या हुआ कि वो रोज़ा 11 रोज़ा छूट गया उनका। 11 रोज़ा छूटने के बाद वो पूरा मौका, साल भर तो पूरा मौका नहीं मिला उनको उसको रखने का। अब अभी दूसरा रमज़ान आ गया, तो उसके ऐसे में क्या करना चाहिए? कुछ हदिया निकालना है या क्या है, या रोज़ा रखना ज़रूरी है? देखिए इस सिलसिले में आमिला और मुर्दिया, वो खातून जो दूध पिलाती है, वो खातून जो हमल में और रोज़ा उसके लिए नुकसानदेह है या बच्चे के लिए नुकसानदेह, तो इन दोनों सूरतों में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त, वो रोज़ा ना रखे। अगर उसको या उसके बच्चे को हालत हमल की वजह से नुकसान पहुँच है, तकलीफ पहुंचती है, तो उसको शरीयत ने रुख्सत दी है कि वो रोजा ना रखे। अब उसके बाद क्या करे, तो इस सिलसिले में जम्हूर उलमा ने जो है उसको मरीज पर कयास किया है कि वो बीमार के हुक्म में है, और बाद में जब इससे निजात मिले तो उसकी कजा कर, उन रोजों की कजा कर ले अगर उसका। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास رضی اللہ عنہما کا جو فتویٰ ہے کہ ایسی خواتین یا تو رضاعت کی حالت میں ہوں گی یا حمل کی حالت میں ہوں گی، کیونکہ اسلاف کے یہاں گیپ نہیں ہوتا تھا اتنا لمبا جو آج کل عورتیں گیپ کرتی ہیں ولادت کے لیے، تو ان کو موقع یا تو حالت رضاعت میں ہوتی تھی یا حالت حمل میں ہوتی تھی، تو اس کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اس ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھائے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ ان کے جو ہے روزے کا کفارہ ہے۔ تو اگر موقع ملا ہے قضا کرنے کا تو قضا کر لینا، یہ بہتر ہے اختلاف سے بچتے ہوئے جو ہے یہ قضا کر لے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر موقع نہیں ملا اور رمضان آ گیا، موقع ہی نہیں ملا قضا کرنے کا، یعنی حالات ایسے نہیں ہوئے کہ قضا کر سکے، تو رمضان کے بعد قضا کر لے، لیکن موقع ملا قضا کر سکتی تھی،
फिर भी कजा नहीं किया और दूसरा रमजान आ गया तो फिर ऐसी सूरत में जो है कजा भी करना होगा और कफारा भी। कफारा ताखिर का हो, कफारा ताखिर की वजह से और कजा जो है तो है ही उसकी। जी जैसे मुझे भाई ने कहा कि वाइंड अप करना चाहिए क्योंकि काफी लेट हो रहा है। काफी सवाल हैं, वाकई पेंडिंग है, तो हम लोग इंशाल्लाह एक काम करेंगे, इंशाल्लाह जुम्मा के दिन एक बजे ठीक है मुझे भाई, वहाँ पे नमाज हो जाएगी आपके वहाँ? अगर मौका मिले मुझे भाई, जी 1:15 बजे ठीक रहेगा, यानी अच्छा टाइम रहेगा। ठीक है, तो 1:15 बजे इंशाल्लाह हम लोग जुम्मा को हाजिर रहेंगे यहाँ पे, और शेख से मुस्तफ़ीद भी होंगे, एक आधे एक घंटे का दर्स रहेगा, उसके बाद सवालात रखेंगे, दर्स थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह सवाल जवाब का सेशन कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी लोगों के जो सवाल हैं, प्लीज़ आप लोग यहाँ सवाल काफ़ी सीरीज़ में आते हैं तो काफ़ी सवाल नीचे चले जाते हैं, काफ़ी ऊपर ये हो जाते हैं तो मुश्किल होता है पढ़ना, तो कुछ उसका सिस्टम करना पड़ेगा कि उसको तरतीब से कैसा लाएं, क्योंकि कुछ सवाल मिस हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी होते हैं कि काफ़ी लोग एक दो लोग ज़्यादा हैं वो यानी 3-4 सवाल पूछ लेते हैं, तो उसमें दूसरों को लोगों को मौका नहीं मिलता है, तो प्लीज़ कोशिश करें कि एक सवाल हो आपका या 2 सवाल हो मैक्सिमम, और फिर उसके बाद दूसरों को मौका दें और फिर आपके बाकी सवाल करें। इधर सलीम भाई का भी हाथ काफ़ी टाइम से उठा हुआ था, उनको भी लगता है अनम्यूट करने नहीं मिला। अगर मुजीब भाई और शेख भाई अगर इजाज़त दें तो उनको एक आखिरी मौका दे के फिर हम लोग वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। जी सलीम भाई आपका हाथ उठा हुआ है, सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, आपकी आवाज बहुत बारीक है। ओके शेख, हर नमाज में कुनूत नाजिला पढ़ना जरूरी है शेख? कुनूत नाजिला जरूरी नहीं मेरे भाई, जरूरी कहना सही नहीं, कुनूत नाजिला जरूरत के वक्त पढ़ी जाएगी, जबकि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो तो जालिम के लिए बद्दुआ और मजलूम के लिए दुआ के लिए कुनूत नाजिला पढ़ो। ये बीमारी में कुनूत नाजिला नहीं, बीमारी की वजह से कुनूत नाजिला नहीं है, मजालिम की वजह से। जी जी, जज़ाकअल्लाह खैरन, जज़ाकअल्लाह खैरन शेख। जी ठीक है, मेरे ख्याल से वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह, जैसे अनाउंस किया गया था 1:15 बजे जुम्मा के दिन, इंशाल्लाह 1:15 बजे शेख का प्रोग्राम होगा। जज़ाकअल्लाह खैरन, अस्सलामु अलैकुम।